नमस्कार दोस्तों, बीएसई ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज हमारे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 11 है। तो जिन जो लोग इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप लोग दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर पहले 11 तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने उन प्रैक्टिस सेट में आप लोगों से कई टाइप के क्वेश्चन अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों उसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर साइड में, राइट साइड में, यहाँ पर एक इस साइड में एक आई आइकन का बटन आ रहा होगा, जिस पर क्लिक करके दोस्तों आप लोग हमारे मैथ्स और रीजनिंग के सभी वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों देख लीजिएगा आप लोग। ओके, क्लियर है इतनी बात? ओके दोस्तों, अगर आप लोग को आज के दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर वीडियो को शेयर किया करें। ओके, तो दोस्तों शेयर करते रहिए आप लोग। बस आप लोग दोस्तों एक काम कीजिए, बस आप लोग शेयर जो है वीडियो को जरूर किया करें। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। अक्सर दोस्तों आपके एग्जाम में जो है इस तरीके का क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता होगा आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक विक्रेता जो है वो 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीद कर 5 रुपए में 8 की दर से बेच देता है, तो उसे इस प्रकार जो है 18 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए उसे कितना नींबू जो है खरीद कर उसने बेचा है। आपको टोटल नींबू बताना है, नींबू की संख्या ज्ञात करनी है। फिर से दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्या लिखा है देखिए। एक जो आपका विक्रेता है वो 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदता है और 5 रुपए में 8 की दर से नींबू को बेच देता है, तो इस प्रकार दोस्तों उसे 18 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए उसने कुल जो है वो कितने नींबू खरीद के बेचे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लेमन बताना है। आपके ऑप्शन है 700, 840, 720 और 652। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ टाइम देता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग वीडियो को पुश कीजिए और इसको पहले खुद से लगाने की कोशिश कीजिए और इसका जवाब जो है हमें तुरंत ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए अपना कि क्या आंसर आएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपको किस लॉजिक से, किस ट्रिक से लगाना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए एक बार, बेस्ट ऑफ लक। आप देखिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सीपी की। सीपी होता है हमारा लागत मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लागत मूल्य दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, कोई जो विक्रेता है ना 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदता है, तो सीपी है जो खरीदने वाला रेट होता है, यानी कि एक तरफ लिखे रुपए, एक तरफ लिखे नंबर। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, 5 रुपए में वो, सॉरी 3 रुपए में वो क्या खरीदता है, 5 नींबू खरीदता है। 3 रुपए में जो है 5 की दर से नींबू खरीदता है और एसपी होता है हमारा विक्रय मूल्य, ये होता है क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य। तो बेचता है कितने का है, 5 रुपए में 8 की दर से वो नींबू बेचता है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ठीक है, कि कोई इतने रुपए के इतने दर से नींबू खरीदता है और किसी रुपए के कितने भी दर से बेच देता है, तो जब भी दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान देना है जो आपके नंबर होते हैं इन नंबर वाले टर्म को इक्वल करना पड़ता है। तो दोस्तों 8 और 5 को इक्वल करने के लिए दोस्तों इसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो दोस्तों इस प्रकार आपके नंबर जो है वो बराबर हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो इस प्रकार हमारा जो आ जाएगा सीपी की जो आएगी वैल्यू, 8 3 24 यानी कि 8 3 24, 8 5 40। क्लियर है? 5 5 25, 5 8 40। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों ने देखा हमारे जो 24 रुपए का, हमने 24 रुपए के 40 नींबू खरीद लेते हैं और 25 रुपए के उन 40 नींबू को बेच दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमें 40 नींबू बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग लाभ कितने का हो रहा है, 24 रुपए की चीज खरीदी है और 25 रुपए की चीज बेच रहे हैं, तो दोस्तों इस प्रकार हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने नींबू बेचने पर, हमें 40 नींबू बेचने पर। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसे जो लाभ होता है वो 18 रुपए का होता है, तो 18 का लाभ करने के लिए हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार जो है 18 रुपए का लाभ होगा वो कितने नींबू बेचने पर हो जाएगा, 40 × 18 यानी कि 18 × 72। तो दोस्तों कुल कितने नींबू है, तो कुल नींबू है मेरे प्यारे दोस्तों 720। तो दोस्तों इस प्रकार जो है जब वो 720 नींबू बेचेगा, अगर वो इस दर से खरीदता है और इस दर से बेचता है, तो 720 नींबू बेचने के बाद उसे 18 रुपए का लाभ होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग के ये जो तरीका है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमने इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लिया जहां पर आपको परसेंटेज बताने की कि कितना लाभ होगा कि कितनी हानि होगी। क्लियर है इतनी बात? ओके ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये भी बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर आपको बताना है परसेंट लाभ और हानि, यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि का प्रतिशत बताना है, और ये है आपके ऑप्शन। तो पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन। 1 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदे जाएं, और उतने ही नींबू 1 रुपए में 8 की दर से खरीदे जाएं, यानी कि अब की बार हम जगह दो प्रकार के नींबू खरीद रहे हैं। एक प्रकार के नींबू है आपके 1 रुपए के 4 की दर से, और जो दूसरे टाइप के जो नींबू है वो है 1 रुपए में 8 की दर से हमने नींबू खरीदे हैं, और उन खरीदे गए नींबू को हम लोग 1 रुपए में 6 की दर से बेच रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको बताना है कि कितना परसेंट लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को कुछ टाइम देता हूँ कि पहले आप लोग इसको लगाने की कोशिश कीजिए, और इसका जवाब दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको वही प्रोसेस रिपीट करनी है जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताई है। चलिए कोशिश कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीपी को मेंटेन करेंगे अपने। सीपी देखिए हमारा क्या है, 1 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदे हमने। एक तरफ लिखिए रुपया और एक तरफ लिखिए नंबर। तो हमने क्या किया, 1 रुपए में कुछ 4 की दर से नींबू खरीदे हैं। दूसरी जगह हम लोग मान लिया बाजार गए, वहां पर हम लोगों ने 1 रुपए के 8 की दर से वाले नींबू खरीद लिया। एक जगह से हमने 1 रुपए के 4 की दर से नींबू खरीदे, दूसरी जगह से हमने 1 रुपए में 1 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग सीपी को मेंटेन करिए। सीपी इस प्रकार दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, इसको 8 बना लीजिए। ठीक है, तब हमारे ये दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1 8। तो दोस्तों इस प्रकार आपका सीपी निकल के यहाँ से क्लियर आ गया। सीपी आ गया आपका 2 और 1 3, 8 8 16। तो इस प्रकार दोस्तों 3 रुपए के 16 की दर से नींबू खरीदे हमने, 3 रुपए में 16 की दर से नींबू खरीदे हैं। अब यहाँ पर बेचे कितने के जा रहे हैं, देखिए एसपी आपका यहाँ से दे रखा है 1 रुपए में 6 की दर, यानी कि 1 रुपए में 6 की दर से हम लोग उस नींबू को बेच रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपको बताना है कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा वही काम रहता है, इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि ये हमारे जो नंबर है इन्हीं को बराबर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर है दोस्तों आपका 6 और यहाँ पर आपका 16। तो 6 और 16 में क्या हमारा कॉमन नंबर है, 48 बनाना पड़ेगा। 16 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3 से कर दें और 6 की मल्टीप्लाई अगर 8 से कर दें तो हमारे जो वैल्यू है इक्वल हो जाएगी। देखिए 3 3 से हमारा हो जाएगा सीपी, आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, सीपी 9 आ जाएगा, 16 3 48, यानी कि हमने 9 रुपए में 48 की दर से जो है खरीदा है, और हम लोग 8 एकम 8, 8 6 48, और उसे 8 रुपए की चीज को बेच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, 9 रुपए की चीज है हम लोग 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हमें होगा दोस्तों हानि यानी कि घाटा। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर लॉस हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस की बात करेंगे तो दोस्तों हमें हो रहा है 1 रुपए का, लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछी जा रही है लाभ प्रतिशत बताइए या फिर हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि परसेंट आपका क्या होगा, प्रतिशत हानि हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आपका हानि प्रतिशत होगा आपका, 1 रुपए का घाटा हो रहा है, कितने रुपए पे हो रहा है, 9 रुपए पे हो रहा है, अपॉन में 9, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 अपॉन 9। तो दोस्तों इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो दोस्तों इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही हो गया, तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही हो गया बी वाला, 11 सही 1/9। क्लियर है, और हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका आंसर दोस्तों आपका क्या था, इसका आंसर था दोस्तों 720। ठीक है, ये हम बताना आपको भूल गए थे। क्लियर है, तो दोस्तों अब आपके अगर आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं तो दोस्तों आप लोग बड़े ही बहुत ही चुटकियां बजाते इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, हंसते हंसते इस क्वेश्चन को लगा के आएंगे। कोई इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, बस आप लोग को दोस्तों ये तरीका पता होना चाहिए, इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आराम से लगता है। लाल दोस्तों अब बात करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ये है दोस्तों आपका एसआई चैप्टर से। तो दोस्तों एसआई चैप्टर की शुरुआत हमने आप लोगों के साथ आज से कर दी है। ओके, अगर आप लोगों ने दोस्तों आज के वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन के यहाँ पर एक ऊपर साइड में इस जगह पर आपके एक आई आइकन का बटन आ रहा होगा, जहां से क्लिक करके दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की। देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपके क्या है, 1500 रुपए की राशि, ठीक है, एक 1500 रुपए की धनराशि है, दो भागों में इस प्रकार यहाँ पर उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से और 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो आपको दोस्तों बताना है
कि 12.5% पर उधार दी गई राशि जो है धनराशि वो कितनी होगी। 500 रुपए, 100 रुपए, 750 रुपए, 1250 रुपए। तो दोस्तों पहले आप लोग इसको लगाने की खुद से कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से लगा लेंगे। ओके तो चलिए दोस्तों कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लगा लिया होगा। फिलहाल दोस्तों वो बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है आपको। यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, 1500 रुपए की धनराशि को दो भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा जा रहा 12.5% पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी। माना 12.5% पर उधार दी गई धनराशि होगी हमारी एक्स, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए कि दोनों के जो ब्याज है वो बराबर है, यानी कि एस आई पहले का एस आई दूसरे के एस आई के बराबर है, आपको ये चीज पता है। और एस आई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100, यानी कि PRT/100। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों 12.5% की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि 12.5% वाला हम लोग इस वाला मान ले रहे हैं 1 पार्ट, और इसे मान ले रहे हैं 2 पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट मान ले रहे हैं। तो 12.5% देखिए लिखते हैं, एक्स रुपए को 12.5% ब्याज की दर पर, कितना टाइम है यहाँ पर, इसका टाइम है 4 वर्षों के लिए, अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें जो ब्याज मिलेगा वो दूसरे वाले जो आपका जिसमें आपके रुपए हैं 1500 माइनस एक्स। तो अगर दोस्तों हमने इधर एक्स मान लिया तो दूसरे साइड में आपके रुपए कितने बचेंगे, 1500 माइनस एक्स बचेंगे। ये दोस्तों हमारी इसमें ब्याज की दर है 10%, और ये कितना टाइम के लिए, ये दोस्तों 5 साल के लिए दोस्तों ये उधार लिए गए हैं। ओके इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता, आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से 100 आपका कट जाएगा, क्लियर है। और इसके बाद दोस्तों देखते देखिए आपका क्या रहा है, यहाँ से पॉइंट हटाए नीचे 10 आ गया, 5 10 आपका 5 10 जाओगे 50। तो दोस्तों काटते हैं, 25 दुनी 50, 25 पंजे 125, 2 दुनी 4। ओके तो हमारे ये क्या हो गया, 5 दुनी 10, 10 से 10 कट गया। ओके तो एक्स बराबर दोस्तों हमारा आ गया 1500 माइनस एक्स, ये एक्स दोस्तों इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 2x बराबर 1500, और दोस्तों इस प्रकार आपका आ जाएगा 750 रुपए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों 12.5% पर उधार दी गई धनराशि आपकी कितनी है, 750 रुपए, यानी कि आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो गया, कितने रुपए है, 750 रुपए है। ओके तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की। ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है आपका एस आई से है, क्या है देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या है देखिए, सूर्य के पास 10,000 रुपए थे, उसमें से उसने कुछ रुपए पी को 2 सालों के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दिए, और बचे हुए रुपए को क्यू को समान वर्षों के लिए 18% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया। 2 वर्षों के बाद सूर्य को पता चला कि पी ने क्यू के जो पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपए ब्याज जो है उससे अधिक मिला है। तो पता लगाइए दोस्तों सूर्य ने क्यू को कितने रुपए उधार दिए, ये दोस्तों आपको बताना है कि उसने कितने रुपए उधार दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन है 2000, 3000, 4000 की 5000। तो दोस्तों पहले आप लोग इसे खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है। ओके क्लियर है, ठीक है तो कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, आपको क्यू को कितने रुपए उधार दिए। माना दोस्तों क्यू को उधार दिए गए रुपए हमने मान लिया कितने दिए गए, एक्स रुपए दिए गए। ओके ये चीज आप लोग मान लीजिए, अब क्वेश्चन को लगाइए। तो दोस्तों पी को कितने मिलेंगे, जब क्यू को आपके क्यू के पास एक्स रुपए हैं तो पी को कितने मिलेंगे, पी को मिलेंगे 10,000 माइनस एक्स, ये दोस्तों पी को रुपए मिले हुए हैं। अब क्वेश्चन को लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। यहां से दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपए ब्याज जो है अधिक प्राप्त हुआ, यानी कि पी और क्यू का डिफरेंस आपको दे रखा है, यानी कि पी माइनस क्यू का डिफरेंस दे रखा है 360 रुपए। ओके यानी कि दोस्तों पी का आप लोग साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या आएगा, 10,000 माइनस एक्स, ये है पी का मूलधन गुणे आपकी दर, कितने परसेंट है इसका पी के लिए, 15%, टाइम कितना है 2 वर्षों के लिए, अपॉन में 100, ठीक है। माइनस क्यू का दोस्तों माना है हमने मूलधन इसका एक्स, और हमारा जो इसका जो परसेंट है जो इसकी दर है ब्याज की वो 18%, और टाइम दोस्तों समान वर्ष यानी कि 2 वर्षों के लिए इतना रहेगा, बराबर में है दोस्तों 360। ओके तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए से
3 1 = 3, 3 2 = 6, 0, सबसे 3 कॉमन ले लेना, 3 6 = 18, 3 5 = 15, ओके। और देखिए आपका 2 2 और 2 6 = 12, 60 बचा। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार आपका आ जाएगा, यहाँ पर 5 10,000 माइनस एक्स माइनस का 6x, क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा आ जाएगा 60, और ये 100 100 दोस्तों ये एलसीएम के आपके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो दोस्तों बराबर में आ जाएगा इसके कुल 6,000, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 की 10,000 से गुणा होगी तो हो जाएगा 50,000, माइनस के 5x माइनस 6x बराबर है आपका 6,000, ओके। तो 6 और 5 11 होंगे, 11x माइनस के आपके जो इक्वल टू के इधर चलेगा, और जे 6,000 इधर आ गया, तो 50,000 में से 6,000 गया, तो यहाँ बचे आपके 44,000, और बराबर में आपका आ रहा है 11x। तो दोस्तों यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू यहाँ पर आप लोग की आ गई है 11 चौक 44। तो दोस्तों इस प्रकार जो है q को यहाँ पर कितने रुपए मिले हैं, q ने जो आपके दोस्तों उधार रुपए लिए थे वो लिए थे 4,000 रुपए। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर सही है वो है आपका सी वाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा तो दोस्तों बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो भी आप लोग हमें बताइए, ओके। तो दोस्तों मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा ताकि आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ओके। बीएससी ट्रिकी क्लासेस दोस्तों आपके साथ में है, ओके। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के, लास्ट क्वेश्चन को पढ़ें। इससे पहले दोस्तों हम त्रिभुज के बारे में आपको कुछ आपको बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं कि देखिए सबसे पहले त्रिभुज क्या है आपका। देखिए ये दोस्तों एक त्रिभुज है जिसकी दोस्तों ये साइड है, इसकी लेंथ है आपकी ए, इस साइड की लेंथ है आपकी बी, और ये साइड है इसकी लेंथ है सी। तो दोस्तों त्रिभुज की परिमिति यानी कि ये टोटल जो होता है इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपकी परिमिति निकल आएगी, यानी कि जितना इसका आपका जितने भी दोस्तों ये है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अर्ध परिमिति को दोस्तों यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं अर्ध परिमिति को। तो इन सबको अगर जोड़कर जो है 2 से भाग करेंगे तो आपकी अर्ध परिमिति आ जाएगी। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक होता है आपका एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसे दोस्तों आप लोगों ने सब लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा होगा, जिसे दोस्तों हम लोग हीरोज का फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग 5th क्वेश्चन को देखें, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और एक बेसिकली जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, जहां पर बेस यानी कि आधार और हाइट दोस्तों या तो ऊंचाई या फिर शीर्ष लंब, ओके। तो दोस्तों इसमें शीर्ष लंब आपका क्या होगा, अगर यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दें इस पे, तो दोस्तों ये या तो आप लोग इसे हाइट बोल लीजिए यहाँ से यहाँ तक की, या तो दोस्तों आप लोग इसे शीर्ष लंब कह सकते हैं, ओके। तो अब दोस्तों देखते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन को। सबसे पहले दोस्तों 5th क्वेश्चन को आप लोग पहले जितना हमने बताया आपको इस तरीके से आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए, ओके। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, अपना पढ़िए। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपको दे रखी हैं, 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ओके एवं 22 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपको त्रिभुज की हर साइड की हर भुजा की यहाँ पर लंबाई दे रखी है। यहाँ पर दोस्तों आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ पर दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, ओके। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है देखिए, एक आपको त्रिभुज दे रखा है, ठीक है ठीक है, एक त्रिभुज हमें दे रखा है, ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, एक हमारा ये त्रिभुज है जिसमें दोस्तों हमारी भुजाओं की लंबाई दे रखी है आपको 18, आपको 20 और 22 सेंटीमीटर। ये हमें दोस्तों त्रिभुज की भुजाएं पता है, और हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों अभी हमने आपको बताया, हीरोज का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, देखिए एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये पूरा अंडर रूट में रहता है, ओके। तो सबसे पहले दोस्तों यहां से हम लोग एस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, हमने एस बराबर फॉर्मूला दोस्तों आपको बताया था ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, 18 + 20 + 22 आपका ये हो जाएगा दोस्तों 18 19 20 20 20 40 50 60 का आधा 2 यानी कि 30, ठीक है, 60 को आधा किया उसका आ गया हमारा 30, ओके। तो यहाँ से दोस्तों आपकी एस की वैल्यू निकल आई है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, एस की वैल्यू है आपकी 30। अब एस में से ए गया, ए दोस्तों है 18 घटाना, तो 30 में से 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा। 30 में से आप लोग का 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। 30 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 30 आपका लिखा हुआ, लिखा रहने दीजिए, ये देखिए आपका 10 लिखा है, ठीक है 10, और यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4 3 12,
तो इसको देखिए हम लोग दोस्तों 12 को लिख सकते हैं, 4 × 3 और 3 के 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है, हम लोग खाली वर्गमूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बचेगा दोस्तों 4, समझते हुए चलिएगा दोस्तों। यहाँ पर अभी लिखा हुआ है हमारा 8, क्लियर है इतनी बात? ओके, तो दोस्तों इसका आपका क्या हो जाएगा, इन 2 30 है, 1 30 आपका ये बाहर आ गया, और 4 है, 4 का दोस्तों आपका 2 बाहर आ गया, और 8 दोस्तों होता है 4 × 8, तो 4 का 2 और बाहर आएगा और अंदर आ जाएगा √2। तो दोस्तों 30 × 60 × 120, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपका क्या आ गया, 120√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों आ गया आपका ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना आ गया, 120√2। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर दूसरी बात पूछी जा रही है कि लंब की लंबाई, और वो भी किस पर, देखिए यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों आपको इसमें क्वेश्चन में क्या और दिया जा रहा है, आप लोगों से क्षेत्रफल निकालने को कहा गया, आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है 20 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों ये जो 20 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है, इस पर डाले गए लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों एक आप लोगों ने त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट कहें चाहे शीर्ष लंब की ऊंचाई कहें। ओके, तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निकाल चुके हैं, तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 120√2। ओके, 120√2 हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया था, 1/2 बेस दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना है 20 सेंटीमीटर, और आपको एच की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो 2 tan आ गया 20, 0 से 0 आपके कैंसिल हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार जो इसकी ऊंचाई आई, जो लंब की लंबाई आई, वो कितनी आ जाएगी आपकी, 12√2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आई होप आपका आज का ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों, आप लोगों से मिलेंगे हम इसके अगले प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों अगर आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, अपने फेसबुक, जो भी आपके फेसबुक फ्रेंड्स हो, व्हाट्सएप पे फ्रेंड हो, सबके साथ दोस्तों शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को दोस्तों, ताकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहे, जो कि दोस्तों आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।